न्यूज़ सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई इवेंट में पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली। बॉलीवुड फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इंडस्ट्री के पावर कपल में आते हैं। इन दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगती है। सुपरस्टार अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में मुंबई के एक फैशन इवेंट में एंट्री मारी है। अदाकारा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इस दौरान बेहद हैंडसम और क्लासी नजर आ रहे हैं। अनुष्का शर्मा ने इस दौरान येलो कलर की एक बेहद प्यारी ड्रेस पहनी थी, मगर लोगों की नजर अदाकारा के फिट फिगर पर ही टिकी है। फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इस फैशन इवेंट में क्लासिक अंदाज में पहुंचे थे, जहां इस स्टार कपल ने एंट्री ने महफिल लूट ली। अदाकारा अनुष्का शर्मा इस पार्टी में येलो कलर की ड्रेस पहनकर पहुंचे, जिसने सारी महफिल लूट ली, जबकि विराट कोहली यहां ब्राउन कलर का सूट पहनकर पहुंचे थे। इस खास मौके पर अदाकारा अनुष्का शर्मा की फिटनेस पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी। दोनों ही स्टार काफी फिट एंड फैब लग रहे थे। अदाकारा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने इस दौरान पेपराजी को जमकर पोज भी दिए। दोनों की तस्वीर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने फैशन इवेंट में हिस्सा लेने से पहले दोनों ने एक बेहद क्लासिक फोटोशूट कराया था, जिसकी फोटोज आप यहां देख सकते हैं। अनुष्का शर्मा इस फोटोशूट में अपने पति विराट कोहली के कंधे पर सिर रखकर पोज मारती दिखी, जिसकी तस्वीर आते ही वायरल हो गई। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के फैंस उनकी इन सभी तस्वीरों पर दिल हार दिख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के फैंस उन्हें इंडस्ट्री का बेस्ट कपल मानते हैं। यही वजह है कि उनकी तस्वीरें आते ही सोशल मीडिया पर छा जाती है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बनी हुई है। इस स्टार कपल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रही है। टीवी इंडस्ट्री के इन सितारों ने साइड रोल निभाकर लूटी महफिल। टेलीविजन जगत में ऐसे कई सीरियल टेलीकास्ट हुए हैं, जिसने लीड स्टार को रातों रात पॉपुलरिटी के चरम पर पहुंचा दिया। इन्हें शो से इतनी शोहरत मिली कि देखते ही देखते ये अपने रियल नाम से हर तरफ पॉपुलर हो गए, जैसे तुलसी, प्रेरणा, आनंदी, अक्षरा और अनुपमा। इन सीरियलों के नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। हालांकि अब जमाना तेजी से बदल रहा है। लीड स्टार के साथ साथ साइड रोल निभाने वाले सितारों भी दर्शकों को द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। यहां तक कि ये साइड रोल निभाने वाले सितारे लीड स्टार को पॉपुलरिटी में कड़ी टक्कर देते हैं। जाने ऐसे ही साइड रोल निभाने वाले स्टार्स के नाम, जिन्होंने साइड रोल निभाकर महफिल लूटी और हीरो हीरोइन की लाइमलाइट छीनी। जैस्मिन यानी ईशा मालवीय टीवी सीरियल उड़ानिया में भले ही ईशा मालवीय को जैस्मिन के नेगेटिव रोल में देखा गया, लेकिन उनका जादू ऐसा चला कि वो देखते ही देखते हर घर में पॉपुलर हो गई। उड़ानिया शो में ईशा का चार्म हर किसी पर चला है। विलेन बनकर भी ईशा ऑडियंस में छा गई और अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही है। अनुज यानी गौरव खन्ना टीवी सीरियल अनुपमा में वैसे तो लीड रोल रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे का था, लेकिन जब से गौरव खन्ना ने अनुज के रोल में एंट्री मारी, तब से हर तरफ वही छाए हुए हैं। अब पूरी कहानी ही बदल चुकी है। सीरियल सिर्फ और सिर्फ अनुज अनुपमा के बारे में हो चुका है, यानी गौरव खन्ना ने साइड रोल से ऐसे कदम जमाए कि सुधांशु की साइड लाइन हो गए है। लोग अब वनराज से ज्यादा अनुज को अनुपमा के साथ देखना पसंद करते हैं। कोमोलिका यानी हिना खान टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की 2 में काफी हिट हुआ था। हमेशा की तरह इसमें प्रेरणा और अनुराग की जोड़ी खूब प्यार मिला, लेकिन इतनी पॉपुलरिटी तब फीकी पड़ी जब कोमलिका के साइड रोल में हिना खान ने एंट्री ली। हिना खान कोमलिका बनकर ऐसे छाई कि उनको देखते ही देखते जबरदस्त पॉपुलरिटी मिली। यहाँ तक कि लोग ने प्रेरणा और अनुराग को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। पाखी यानी ऐश्वर्या शर्मा टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी हीरो हीरोइन सई और विराट की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पाखी की होती है। विलन बनकर पाखी का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या शर्मा काफी पॉपुलर हो चुकी है। वो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ऐश्वर्या का ग्रेट शेट किरदार निभा रही है और उनकी पॉपुलरिटी सई और विराट को टक्कर देती है। मालिनी यानी मयूरी देशमुख इमली सीरियल में मयूरी देशमुख भला किसी को याद नहीं। सीरियल इमली में मालिनी का निगेटिव किरदार मयूरी ने निभाया और वह अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भले ही शो में कहने को मयूरी विलन बनकर इमली को खूब परेशान किया, लेकिन असल में मालिनी को लोग खूब पसंद करते हैं।
रणबीर यानी करण कुंद्रा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीवी सीरियल से हमेशा लीड स्टार्स को खूब पॉपुलैरिटी मिली है। कुछ वक्त पहले ही करण कुंद्रा भी इसका हिस्सा रह चुके थे। शो में रणवीर चौहान का रोल निभाया था। जैसे ही रणवीर बनकर करण कुंद्रा ने सीरियल की कहानी में एंट्री की, वैसे ही फैंस के बीच खलबली मच गई। कुछ ही समय में रणवीर के रोल में उन्होंने जमकर पॉपुलैरिटी पाई थी। मॉर्निंग शो में इतने दर्शक देखने पहुंचे अजय देवगन की भोला। कल बॉलीवुड सुपरस्टार अजय और तब्बू स्टार फिल्म भोला रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच खासा क्रेज है। फिल्म के दमदार टीजर और ट्रेलर के बाद कयास लगाया जा रहा है कि दृश्यम 2 के बाद एक बार फिर अजय देवगन अपनी फिल्म भोला के साथ बॉक्स ऑफिस पर दमदार वापसी करेंगे। अब ऐसा ही हो गया है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। फिलहाल फिल्म थिएटर पर पहुंच चुकी है और मॉर्निंग शो की रिपोर्ट्स भी ठीक ठाक ही आई है। सामने आ रही ताजा रिपोर्ट्स की माने तो भोला ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ऑक्यूपेंसी दर हासिल की है। Sighting.com की एक रिपोर्ट में माना जा रहा है कि मॉर्निंग शो में 10.43% की ऑक्यूपेंसी दर हासिल की है, जिसे अच्छा माना जा रहा है। अगर ये फिल्म दर्शकों को पसंद आती है तो फिल्म को अच्छे वर्ड्स ऑफ माउथ मिलते हैं और शाम तक दर्शकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इस फिल्म के VFX वर्क्स की खूब तारीफ की गई है। बता दें कि सुपरस्टार अजय देवगन और तब्बू फिल्म भोला देश भर में 4000 स्क्रीन पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म का रन टाइम 2.23 मिनट है। इस फिल्म को खूब अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किया है। ये बतौर निर्देशक उनकी दूसरी फिल्म है। इससे पहले अजय देवगन की फिल्म शिवाय ने खुद ही निर्देशन किया था। अजय देवगन और तब्बू स्टार ये फिल्म तमिल फिल्म कैथी का हिंदी रीमेक है। तमिल सिनेमा इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के निर्देशक लोकेश कनजराज थे। इस फिल्म की बम्पर सक्सेस के बाद निर्देशक लोकेश कनजराज ने मास्टर और विक्रम जैसी फिल्मों का निर्माण किया जो ब्लॉकबस्टर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।